ऐसी बस्तियों में और या जिन लोगों के पास राशन नहीं, उनको 25 मार्च से सामग्री वितरण चालू किया है। जो कल तक हमने 18,253 परिवारों को 10 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो दाल ये दिया। अब गर्मी होने से अब पैकेटों में आलू और प्याज भी रख रहे हैं और ये हमारी 2 मई तक के लिए तैयारी है। 30 नवंबर तक हमने कार्यक्रम दे दिया है, 1 और 2 मई का हम दे देंगे, जिसमें कि हम लगभग 10-11 हज़ार पैकेट और भी खर्च करेंगे। ये जो पैसा है इसमें सरकारी धनराशि नहीं है, ये सब दानदाताओं की, UIT कर्मचारियों की या UIT से जुड़े लोगों द्वारा दिए गए दान की राशि से किया जाए। गोपालपुरा अब मैं जो ये बिल्कुल मजदूर कॉलोनी है, जहाँ दिहाड़ी मजदूर और रोज कमाते खाते हैं और किराए पे रहते हैं, बाहर के लोग हैं, बील बस्ती और इस टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ हम बांट रहे हैं। लगभग अभी 25 किट्स से शुरुआत की है और लगभग पर डे हम रोजाना 1,000 से 1,200 परिवारों तक डोर टू डोर पहुँचते हैं। और डोर टू डोर पहुँचने से पहले हम पहले सर्वे करते हैं उस एरिया का, वास्तव में अगर आवश्यकता है उस परिवार को पूछते हैं। यह जो हम राशन सामग्री बांट रहे हैं वो हमारे नगर विकास न्यास के सचिव महोदय नितेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में, जो हम दानदाताओं द्वारा और UIT के कार्मिकों द्वारा जो धनराशि इकट्ठी की गई, उस राशि से 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, दाल, चीनी, इस टाइप के मिर्च मसाले टाइप और दानदाताओं से कुछ और राशि इकट्ठा करके बाँट रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ है पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए करते हैं और लोगों को हम समझाते भी हैं कि सड़क पर मत आना। राशन खाने पीने की व्यवस्था हम सूखी सामग्री हम बांट रहे हैं UIT पटवारी भंवर सिंह के नेतृत्व में और हमारी एक दूसरी टीम तेजमल जी शर्मा, 2 टीमें हमारी पूरे शहर में कच्ची बस्तियों में घूम घूम के सामग्री बांट रहे हैं। UIT की जो टीम है उसमें पुलिस लाइन
और मीरा नगर के पार्ट जो कल बचा हुआ था वहाँ से स्टार्ट किया, पुलिस लाइन में अभी चल रहे हैं वकील कॉलोनी। और अभी हमने 250 किट्स मार चुके हैं अभी तक, और दोपहर चल रहा है अभी। जैसे यहाँ सर्वे डोर टू डोर सर्वे करके, ये महाराष्ट्र के और एमपी के थे, इनको भी डोर टू डोर सर्वे करके दे रहे हैं। और हमारी टीम में जैसे प्रेम जी वैष्णव है, अमित है, मनोज है, महेंद्र सिंह जी गार्ड साहब है, प्रताप है, सहयोग पूरा तन मन से सहयोग कर रहे हैं। और इस धूप में घूम के डोर टू डोर कोई भूखा नहीं रहे। सचिव साहब नितेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में हम और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। आपका नाम है सर? भवर सिंह पटवारी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के तथ्य के अनुसार कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, इस सपने को साकार करने के लिए हमारे नगर विकास न्यास के सचिव महोदय ने एक नेतृत्व में एक टीम गठित की। उस टीम में हमारे एसी साहब, हमारे ठेकेदार, हमारे कर्मचारी साथ, यूआईटी के सभी ने अपने पर्सनल फंड से पैसे देकर 1,55,00,000 रुपए हम लोगों ने शहर की भामाशाहों से, समाज सेवियों से इकट्ठे किए। हमने हर गरीब, दिहाड़ी मजदूर, दिव्यांग, एसआई की झोपड़ी तक, घुमंतू जाति तक हमारी टीम में शिवेंद्र जी पारिक, तेजमल जी शर्मा, भंवर सिंह जी पटवारी, महेंद्र सिंह जी होमगार्ड, अमित पारिक, दीपचंद माली और भी जो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 24 घंटे हमने 3 चरणों में खाद्य सामग्री कच्ची बस्तियों में वितरित की है। पहले चरण में हमारे द्वारा 8,000 पैकेट वितरित किए गए, दूसरे चरण में हमारे द्वारा 16,000 पैकेट दिए गए, तीसरे चरण अंतिम चरण हमारा 3 मई को पूर्ण हुआ, जिसमें हमारी टीम ने 30,158 पैकेट हर गरीब, जो आपके किसी भी माध्यम से हमें पता चला कि कोई गरीब भूखा है तो हमने वहाँ पैकेट पहुंचाने का पूरा हमारे सचिव नगर विकास न्यास के तहत हमने काम किया है। भविष्य में भी यूआईटी की टीम इसी तरह कार्य करती रहेगी। यूआईटी के जिन लोगों ने या भामाशाहों ने या ठेकेदारों ने साथ दिया, उन सभी का मैं यूआईटी परिवार की ओर से बिल्डर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। राहुल डाट, समय तक नगर विकास न्यास भीलवाड़ा। हमारे यहाँ पता है उन्होंने सबकी मीटिंग लेकर सबसे पहले उन्होंने यही कहा, भाई व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज डाला कि जो भी जनसहयोग इसमें, जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं वो तत्काल उसमें सहयोग करें। तो उनके एक अपील पे पहले ही दिन 38,00,000 रुपए हमारे इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे यूआईटी कर्मचारियों ने 19,00,000 रुपए हमने यहाँ से इकट्ठे किए, उससे सामग्री हमारे वितरण के कार्य में चालू हुई। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी वितरण की, वितरण की टीम तैयार करना कि सर वहाँ जाके और वितरण कैसे किया जाना। तो हमारे साथी तेजमल जी, शिवेंद्र जी और भंवर सिंह जी पटवारी साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई। वहाँ पर जाकर एक एक आदमी से व्यक्तिगत मिलकर उनका घर को देख के इसके राशन सामग्री है कि नहीं है या इसका पात्र है कि नहीं, ये देखते हुए इन्होंने वितरित करने का प्रयास किया और इसके बहुत ही रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आए। हमारे को इसके फीडबैक भी मिलते रहे, फोन पे कलेक्टर साहब के यहाँ सब जगह फीडबैक हमारे यूआईटी के अच्छा है। दूसरा, सब लोगों ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर से, जिसमें हमें राहुल डाट जो सबसे पहले सबसे आगे आके इन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ की संभाली, सारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ से पैकेट तैयार करना, वितरण करना, लेबर लाना, जो कि सबसे ऐसी कठिन काम था उसमें कि कौन इस बीमारी के दौर में लेबर यहाँ आएगी, कैसे काम करेगी। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा प्रयास करके अपने जैसे भी सब लोगों को मोटिवेट किया, यहाँ लाया, लेबर लाए, सारे पैकेट तैयार करे, सारे वितरण की सारी जिम्मेदारी संभाले। कोई सामान मान लो किसी ने दादा ने आटा ही दिया, किसी ने वो दिया, दूसरा सामान कम थे किट में, तो खुद ने मंगाए, हमारे जो पैसे इकट्ठे उससे हमने करके ये सारे किट तैयार करे। इस तरह से हमने सारी ये व्यवस्था संभाली और हमारे सचिव महोदय के निर्देशानुसार उनके उसमें निर्देशन में सारा काम हुआ है। अभी तक यूआईटी द्वारा 30,058 पैकेट का वितरण किया जा चुका है विभिन्न सेक्टर में, जहाँ जहाँ जिला कलेक्टर महोदय ने हमें बताया था। और ये शहर के अंदर कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ी वाले जो घुमंतू मजदूर है, ये दिहाड़ी मजदूर जो आसपास शहर में रहते हैं, जहाँ पे ये गाड़ियाँ नहीं जाती उपभोक्ता, वहाँ पे हमने ये सारा वितरण का काम किया। 3 चरणों में हमने वितरण किया है। हर इसमें एक पैकेट में 10 दिन की सामग्री थी, तो हर 10 दिन बाद हमने दोबारा वहाँ पे रिपीट किया। इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम में जितने भी जो शिकायतें आती थी, किसी के मान लो शहर में किसी भी वार्ड में किसी में कोई भी व्यक्ति के राशन नहीं था, तो उनको हमने कंट्रोल रूम को डेली हमने 200 पैकेट उपलब्ध कराए, उनकी तरफ से भी वहाँ से वितरण की व्यवस्था की गई है। हमारी व्यवस्था अभी 3 तारीख तक हमारी पूर्ण हो चुकी है। 30,000 से ज़्यादा पैकेट हम बांट चुके हैं। अब हमारे पास 500 पैकेट उनके लिए रिजर्व रखे हैं, जो हम कंट्रोल रूम में भेज रहे हैं।
मैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा, SEUIT।